अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो एक मास्क से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मैजिकल मास्क लेकर आई हूँ। आप ये मास्क बनाइए और इस्तेमाल करिए। जिस किस्म के आपके मसले मसाइल हैं स्किन से रिलेटेड और कुछ भी एज ग्रुप है आपका, आप चाहे टीन एज हैं, ओल्डर एज के हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, वट एवर आपकी एज, वट एवर योर स्किन टाइप, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्किन एंड ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, तो ये आप बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मेरी ऑयली स्किन है, इस तरह का कोई इशू नहीं होने वाला। रिज़ल्ट आपको मिलेगा 110% मिलेगा। अगर तो आप इसको पूरा कंप्लीट देखें किस तरह से मास्क बनाना है और किस तरह लगाना है और पंचुअलिटी से इस्तेमाल करें, तो शर्त यह है कि वीडियो आपने लाजमी देखनी है एंड तक, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह ये मास्क बनेगा। दूसरा ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और थर्ड ये कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप अगर ये मास्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो ऑरेंज आप लोगों ने खा लेना है और उसका छिलका इस तरह से आपने सुखा लेना है। मैंने यहाँ धूप में रख के सुखाया था, 2 दिन में ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया। और इसको मैंने इस तरह से पीस के एक एयर टाइट बॉटल में रख लिया है। इसका पाउडर बना लेना है। मेरा पाउडर जो है वो थोड़ा सा मोटा बना है फॉर सम रीज़न, लेकिन आप लोग जो है वो जितना हो सके बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा इसको बना लीजिएगा। तो एनीवेज काम ये अभी भी बहुत अच्छा करेगा, डजन में एक ये बहुत बारीक है या नहीं। तो एनीवेज आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा इसका पाउडर बना लेना है। और यहाँ पर जो है अपने फेस के हिसाब से आप इसको जब दिल चाहे मास्क बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए निकाल दें। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून ले रही हूँ फिल वक्त मास्क बनाने के लिए। आप अपने फेस के हिसाब से जितना कम ज़्यादा करना हो क्वांटिटी कर सकते हैं। और इसमें अब हम जो ऐड करेंगे वो है हनी। हनी आप ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक किसी भी कंपनी का कोई सा भी हनी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपके पास मौजूद हो। हनी आपको पता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसी तरह ऑरेंज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई भी बहुत होता है। स्पेशली ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स जो हैं आपके ख़त्म करके खोया हुआ निखार आपको वापस ला के देता है, अगर तो आप इसको रेगुलरिटी से यूज़ करें। हनी आपने इतना लेना है ताकि इसका एक अच्छा सा और स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने अपने अंदाजे से रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना कि आपके चेहरे पे टिक ना सके और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। सम रीज़न हाउ मेरा जो है वो यहाँ पाउडर थोड़ा सा जो है वो मोटा है, लेकिन आप बिल्कुल स्मूथ सा बनाइएगा। दूसरा ये कि आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी और कोशिश करिएगा जो ऑर्गेनिक होती है वो वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी, और नहीं तो जो नॉर्मल हल्दी होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें जो है वो हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लें और इसको 15 से 20 मिनट आपने अपने चेहरे पर लगा के रखना है। उसके बाद 5 से 6 मिनट आपको इसका मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से, और फिर इसको धो लेना है। मसाज ज़्यादा वहाँ मत करिएगा जहाँ आपके पिंपल्स हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। बाकी सब जगह आप मसाज करें अच्छे से, और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लें, और उसके बाद आप टोनर अप्लाई करेंगे जो कि रोज़ वाटर का होगा, और बस दैट्स इट। और नहीं तो आप कोई भी आपके पास टोनर हो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 दफ़ा कम से कम आपने वीक में ये रेमेडी करनी है, तो इंशाल्लाह आपको एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलती हूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।